नमस्कार, आप देख रहे हैं अर्ली पोस्ट और मैं हूं विमल मेहरा। वक्त हो चुका है दिन भर की बड़ी खबरों का, एक नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। आतंकियों ने एक बार फिर से जम्मू कश्मीर को दहलाने की नापाक कोशिश की है। आर्मी की रोड ओपनिंग पार्टी ने राजौरी में मंगलवार को IED बरामद की। उत्तर भारत में रेलवे के सामने ठंड के सीजन में धुंध की चुनौती फिर से खड़ी हो गई है। उत्तर रेलवे ने दिसंबर से कई ट्रेनों का परिचालन रद्द कर दिया है। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में फीस वृद्धि को लेकर छात्रों के विरोध प्रदर्शन और उन पर हुई पुलिसिया कार्रवाई को लेकर लोकसभा में उठी चर्चा। दिल्ली पुलिस ने 17 नवंबर को भी JNU परिसर में लगी विवेकानंद जी की मूर्ति को नुकसान पहुंचाने के मामले में FIR दर्ज की थी। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के घोषणा पत्र में भारतीय जनता पार्टी ने स्वतंत्रता सेनानी विनायक दामोदर सावरकर को भारत रत्न दिलाने का वादा किया था। अब लोकसभा में भी सरकार ने इस पर प्रतिक्रिया दी है। गृह मंत्रालय ने लोकसभा में कहा है कि भारत रत्न के लिए सिफारिशें आती रहती हैं, लेकिन इसके लिए किसी औपचारिक सिफारिश की जरूरत नहीं। केंद्रीय शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में सोमवार को एक बड़ा इतिहास रचा गया। स्थानीय पुलिस ट्रेनिंग केंद्र में आयोजित पासिंग आउट परेड में पहली बार जवानों ने भारतीय संविधान के तहत शपथ ली। जवानों ने इसे गर्व का पल बताते हुए कहा कि उन्हें काफी खुशी है कि उन्हें भारतीय संविधान के तहत शपथ ली। जिला व सत्र न्यायालय कठुआ में जिला बार एसोसिएशन कठुआ के अध्यक्ष अजा शत्रु शर्मा के नेतृत्व में बार एसोसिएशन के सदस्य 12वें दिन भी मांगों के समर्थन में कोर्ट परिसर में नारेबाजी करते हुए धरने पर रहे। जम्मू यूनिवर्सिटी के छात्रों ने आज जम्मू यूनिवर्सिटी के बाहर जम्मू कश्मीर पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी के साथ विरोध प्रदर्शन किया। 5 अगस्त 2019 को इंटरनेट पर प्रतिबंध के बाद आज जम्मू के छात्रों ने प्रशासन के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया और नारेबाजी की और कहा कि जल्द से जल्द इंटरनेट को जम्मू में बहाल किया जाए। तो ये थी दिन भर की बड़ी खबरें। ताजा अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए अर्ली पोस्ट। नमस्कार।